नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। अभी अभी जो है आपका एक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो आईआईटी जो है कानपुर में, उसमें आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। 119 पोस्ट है इसमें, तो एक अच्छा खासा आप लोगों के लिए जो भी टाइपिंग से रिलेटेड जो बच्चे हैं, जो टाइपिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब की खासकर, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका है। और ऐसे जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका यूपी ट्रिपल एससी के लिए लंबा टाइम ले जाएगा, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का हुआ, हाई कोर्ट वाले होते हैं। तो ये जो वैकेंसी आती हैं जो बीच बीच में आपको देखने को मिलती हैं, इनमें जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। जिनको भी जॉब लेनी है तो वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भैया कि जल्दी में आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ आप जाओगे तो साइट पे आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है आईआईटी कानपुर के द्वारा निकाला गया है, जिसमें आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। तो आप जानते हो कि जूनियर असिस्टेंट में होता क्या है, काम क्या करना होता है, ठीक है। तो ये आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, एससी में 15 है, एसटी में 2 है, 34 इसमें है, पीडब्ल्यूडी में मतलब फिजिकली डिसेबल में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 11 है, यूआर में 51 है, टोटल 119 पोस्ट पे है। और जो इसका जो पे लेवल है आप देख रहे हो, लेवल 3 का 21,700 से बेसिक 69,100 पड़ेगा। इसमें अगर डीए हुए सब मिला लोगे तो आपका अच्छा खासा 30-32 हज़ार रुपया, 32 से 34 हज़ार रुपया आपका इनकम बन जाएगा, ठीक है। ये सैलरी आपकी बन जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अदर देन द टोटल सैलरी विच इंक्लूड पे इन द पे लेवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, एचआर है, एनपीएस, ये सब कुछ, मेडिकल, एलटीसी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आल्सो एडमिसिबल एज पर जीवाई रूल। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए भी अलाउंस मिलेगा, मेडिकल भी मिलेगा, डीए भी, टीए भी, एचआरए भी, और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो आपको मिलता है वो भी आपका जो डिडक्ट होता है और बाद में आपका किया जाता है, तो वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग आपका यहां पर दिया जाएगा आपको। एज जो है वो आप लोग ध्यान से देख लो, एज जो है आपकी क्या है यहां पर। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जरूर फॉर्म फिल करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों का वही सिलेबस रहेगा जो आप कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखे हो, ठीक है। अगर जूनियर असिस्टेंट की ये जॉब है तो ऑलमोस्ट वही रहेगा कि चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक एप्टीट्यूड आना चाहिए, ठीक है। वो चेक करेगा आपका एप्टीट्यूड में, रीजनिंग और थोड़ा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स होना चाहिए। हाँ, हिंदी की जगह हो सकता है यहां पर इंग्लिश नॉलेज चेक किया जाए, ठीक है। मैं हिंदी नहीं कंफर्म बोल सकता, और टाइपिंग में भी हो सकता है आपकी इंग्लिश ही टाइपिंग देखी जाए, लेकिन अभी उससे रिलेटेड कोई मिला नहीं है जानकारी। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आईआईटी का है तो काम जो वर्क होता है वो बेसिकली आपका किस में होता है, इंग्लिश में ही होता है। तो उस बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूं कि इसमें इंग्लिश नॉलेज जरूर टेस्ट करेगा, टाइपिंग में भी, और आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में भी रिटेन जो होगा उसमें भी आएगा, और बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा। अब देखो बैचलर डिग्री विथ, यहां पे एज की बात कर लें तो 21 से 30 साल, ठीक है, होगा आपका रिजर्वेशन, और एज पर द जीवाई रूल जो भी आपका रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग ही यहां पर काम किया जाएगा, ठीक है। एजुकेशन क्या है, एसेंशियल एजुकेशन, कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरना है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे यह भी पता चल रहा है कि आपका रिटेन जो आपका टेस्ट होगा इसका, उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, बेसिक एप्टीट्यूड रहेगा, बेसिक्स आपका इंग्लिश होगा हिंदी की जगह, हो सकता है इंग्लिश हिंदी दोनों ले ले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस जो मैंने अभी बता दिया वो हो सकता है। उसके बाद से बोला डिजायरेबल क्या है कि अगर आप बैचलर डिग्री हो, 50% मार्क्स है, मतलब ये आपको वरीयता दिया जाएगा, और को 2 साल का कोई एक्सपीरियंस भी है हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट मैटर, आरएनडी, लीगल और परचेज या इंपोर्ट, अकाउंट, ऑडिट या हॉस्पिटलिटी में, तो उसको आपको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद से जॉब रोल आपको बता दिया कि क्या करना है, कि सेक्रेटरीट प्रैक्टिस विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन, डायरी, डिस्पैच वर्क, इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल्स, इन सबको देखना है। तो टू हैंडल द स्टेट मैनेजमेंट, परचेज और इंपोर्ट, अकाउंट, ऑडिट, हॉस्पिटलिटी, एकेडमिक रिक्रूटमेंट, लीगल, आरएनडी के जो भी मैटर्स हैं, जो एक तरह से उसको आपको हैंडल करना होगा, जूनियर असिस्टेंट का ये काम है, ठीक है। साफ साफ बोला गया है कि आप कोई भी प्रिंटेड जो है फॉर्म नहीं भेज सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको फॉर्म को प्रिंट करा के भेजो। यहाँ पे आपको सिंपल सा बोला गया कि आप वेबसाइट के थ्रू, यहाँ पे दिया गया www.itk.ac.in इन्फो सेल रिक्रूटमेंट, इस पर जब जाओगे तो आपका फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है, और ये
आपका 9 नवंबर लास्ट डेट, 9 नवंबर तक 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी दिया कि जो भी आपके एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं अगर वो नहीं सपोर्ट करते हो तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका, हाँ, और यहाँ पे ये भी बोला कि जो आपका एडमिट कार्ड, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपका एडमिट कार्ड किसके थ्रू बताया गया था कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनका, वो ईमेल के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड ईमेल के थ्रू आएगा। बाकी ये बोला है कि अगर फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन, करेक्शन या एडिशन कुछ भी होता है जो आपका एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, तो वो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। तो वो आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, उसे आप चेक कर, जैसे होता है ना कि कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसके करेक्शन के लिए, तो वो सब चीजें आप वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहो, बोला है पीरियोडिकली विजिट करते रहे आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, चाहे वो अभी सिलेबस वेबस कुछ भी नहीं आया, पैटर्न वैटर्न एग्जाम का कुछ भी नहीं आया, तो वो आप रेगुलर विजिट जरूर करते रहिए, फॉर्म फिल किए हैं तो वहां आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो इशू आती हैं, तो एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए बोला है कि जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट दोगे उसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेन रिक्वायर्ड, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसी पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है चाहिए इनको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी वही सब वही है, जीओआई जो आपका एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही है, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सिलेक्शन पे उस पे आ जाते हैं, प्रोसीजर पे, कि सिलेक्शन आपका क्या क्या है। चलो यहां देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिस्ट जो आपका सिलेक्शन है वो किस बिहाफ पे किया जाएगा, यहाँ जाओ, जो सिलेक्शन आपका है वो किस बिहाफ पे किया जाएगा, बोला है मे कंसिस्ट रिटेन टेस्ट, ठीक है, रिटेन टेस्ट होगा, जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट, मतलब जॉब ओरिएंटेड जो भी आपका हो सकता है, ऐसा बोला है, टाइपिंग टेस्ट तो नहीं बोला, प्रैक्टिकल टेस्ट बोला है, तो कुछ ऐसा आपसे बनवाए, पीपीटी बनवा ले, वर्ड में कुछ काम करा ले, ठीक है, ऐसा भी होता है जैसे एसएससी सीएचएसएल ओएसएसएल में होता है उस प्रकार से, तो प्रैक्टिकल टेस्ट है, तो टाइपिंग भी हो सकता है, कुछ जनरल्स आपसे बेसिक्स फंडामेंटल एमएस ऑफिस के प्रैक्टिकली आपसे वो करा सकता है, तो वो दो चीजें आपसे कराएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका यहां बोला है साहब साहब कि आपको कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाए, मतलब आपको एग्जाम जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा उसके लिए आपको कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगा रिटेन और जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, ऑलमोस्ट ये भी चांसेस हैं कि दोनों साथ ही में हो, रिटेन टेस्ट और जॉब ओरिएंटेड टेस्ट दोनों साथ में हो। उसके बाद से बोला है कि जो फीस है आपको इस फॉर्म की फीस जो है वो महिलाओं के लिए तो बल्ले बल्ले है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 700 रुपया देना है, एससी एसटी और फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं देना है, एकदम 0 रुपया में आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, एससी एसटी और फीमेल के लिए ये 0 रुपया का फॉर्म है। उसके बाद से एक और आपको यहां पर थोड़ा सा देखो हाईलाइटेड किया गया है कि जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ठीक है, तो जब जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा एट द टाइम ऑफ, तो इससे ये थोड़ा पता चल रहा है कि हो सकता है कि आपका एग्जाम पहले हो जाए और जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट बाद में हो, क्योंकि ये बोला है एट द टाइम ऑफ जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट इफ रिकमेंडेड पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू आर रिक्वायर्ड टू नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब एनओसी जो होता है ना, अगर आपका वहां पे है तो आप किसी में काम कर रहे हैं तो वहां से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस समय पर आपको लेके जाना है, यहाँ पे जब जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उस समय आपको लेके जाना है, बस, और यही सब दिया डिटेल आपका। हाँ, तो ये दो आपके माध्यम होंगे, टेस्ट के, एक रिटर्न होगा, उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। पोस्टल डिले मतलब अगर कोई चीज में होता है तो वो उसके लिए इंस्टीट्यूट कोई भी आपका वो नहीं रखता है, जिम्मेदारी नहीं रखता है, ठीक है, यही सब चीजें हैं। बाकी आपका जो दिया गया आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, अभी यहां पर सबसे जो बड़ी बात है कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा ये नहीं दिया गया है, ठीक है, सिलेबस क्या होगा ये भी नहीं दिया, इसके लिए बोला है कि आप रेगुलर क्या करो, वेबसाइट विजिट करो, लेकिन ऑलमोस्ट मैं इतना कह रहा हूं कि जैसा आपका ये पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, तो इस एक तो मांगा आपका कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में, अब कितने होंगे ये नहीं मैं बोल सकता हूं,
कंप्यूटर होगा। एप्टीट्यूड मतलब, एप्टीट्यूड का कहने का मतलब ही होता है कि इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों शामिल होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि आईआईटी का पेपर है ना, आईआईटी से रिलेटेड है, तो हो सकता है मैथ्स रीजनिंग का कंबाइंड, जिसको वहां पे उस फील्ड में ही बोला जाता है एप्टीट्यूड पेपर, तो यहां मैथ्स और रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हम नहीं करेंगे, और रहेगा कि इसका काम मैक्सिमम इंग्लिश में होता है, तो ये चीजें तो मैं कह रहा हूं कि रहेंगी रहेंगी आपके एग्जाम में, बेसिक्स ऑफ ये, बेसिक्स ऑफ एप्टीट्यूड और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो है आपके सिलेबस में रहेगा, लेकिन पैटर्न क्या है ये नहीं बता सकता। बाकी जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट में हो सकता है आपका टाइपिंग टेस्ट हो, ठीक है, हो सकता है आपका टाइपिंग टेस्ट हो, और कुछ ऑफिस बेस्ड, अभी जब तक कुछ आ नहीं जाता तो एक अंदाजा मैं बस आपको बता रहा हूं, ऑफिस बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट का जो है एक तरह से बोला जाए कि उसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उसको, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप अलाइनमेंट हुआ चाहे जो भी चीजें हुआ, फॉर्मेटिंग एक तरह से बोला जाए किसी भी डॉक्यूमेंट का, वो हो सकता है आपसे देख लें कि कोई इस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करके बताओ, तो उस बेसिस पे आपका ये प्रैक्टिकल टेस्ट हो। लेकिन जब तक आपका कुछ आ नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन हाँ एक दिमाग में आप रख के चल सकते हो कि हाँ मुझे इतना तो पढ़ना है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये चीजें तो मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर का थोड़ा थोड़ा जो स्टार्टअप कर देना है, तो बाकी आपको जैसा भी लगे, जैसे तैयारी करना है तो एक बार कमेंट के माध्यम से आप इस वीडियो में बताइएगा कि सर हम इस जॉब के बारे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और भी जो इन्फॉर्मेशन हो तो कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें, तो टीम के द्वारा मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा इससे रिलेटेड। और भी कोई जानकारी इससे रिलेटेड मिलती है, चाहे इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, तो हम जरूर आपके सामने आएंगे और उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।